बजट में हर वर्ग का रखा गया है ध्यान, जनहित के लिए ऐतिहासिक बजट, रणधीर शर्मा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता व राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने जनहित में ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों को तथा विकास की नई गति देने वाला बजट है। रणधीर शर्मा का कहना था कि ये बजट कोरोना के कठिन काल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को दिशा व नई गति प्रदान करने वाला है। रणधीर शर्मा ने कहा कि बजट में हर क्षेत्र, चाहे वह सड़क हो, रेल मार्ग हो, कृषि उपकरण हो या गरीब आवास योजना हो, बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। कोरोना महामारी के संकट काल में हमारी केंद्र की सरकार की आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक देश हित और जनहित में बेहतरीन बजट प्रस्तुत किया है, जिससे जहां देश के हर वर्ग के हितों की रक्षा होगी, वहीं देश में सर्वांगीण विकास होगा। जैसे आपने देखा, किसानों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं इस बजट में शुरू की गई हैं, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अलग से बजट का प्रावधान की बात हो, चाहे इसी तरह से किसानों के लिए ऑनलाइन डिजिटल मैपिंग की बात हो और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, साथ ही जो किसानों के उपयोग में आने वाला सामान है उसको विशेष रूप से जो सस्ता किया गया है, उसके लिए हम किसानों की ओर से आदरणीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए 80 लाख घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे। उसी तरह से आपने देखा है कि 8.5 करोड़ घरों को जल जीवन मिशन के तहत नलका लगाया जाएगा ताकि उनको पीने का पानी घर पर मुहैया हो, और इसी तरह से विकास की दृष्टि से 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा, 400 नई वंदे मातरम ट्रेन, रेलगाड़ियां शुरू की जाएंगी जिससे लोगों को सहूलत मिलेगी। ऐसी अनेक योजनाएं जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ भी मिलेगा और साथ ही विकास भी होगा, वो इस बजट के माध्यम से शुरू होंगी और निश्चित रूप से इसमें आम जनता को लाभ मिलेगा, आम जनता के हितों की रक्षा होगी। बिलासपुर से संवाददाता सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।